75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निरसा में सखी मंडल की लगभग 15 महिलाएं इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता के लिए लगन से काम कर रही हैं। महिलाओं ने लगभग 2000 राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव जो प्रधानमंत्री के द्वारा मुहिम एक चलाया जा रहा है, हमारे पंचायत में सखी मंडल की सेविकाओं के द्वारा 2000 लक्ष्य है और हम ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत के हर घर में ये तिरंगा फहराएं लहराएं और ये भी चाहते हैं कि जितने भी और भी पंचायत के मुखिया लोग हैं वो भी इनके द्वारा ही अपने भी पंचायत में हर घर में ये महोत्सव मनाएं। हम लोग 15 महिलाएं हैं जो 3-4 दिन से लगे हुए हैं झंडा निर्माण के कार्य में और 3-4 दिन में ही हम लोग 1000 झंडा निर्माण कर चुके हैं। और 2000 का लक्ष्य है। सभी सखी मंडल के दीदी लोग को भी घर घर झंडा तिरंगा का अभियान जो चल रहा है, हम लोग का लक्ष्य कि घर घर झंडा घर घर फहराया जाए। के सदर अस्पताल परिसर में एसपीए द्वारा योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 21 दिनों स्वास्थ्य कर्मियों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण की अगुवाई की जा रही है। वहीं योग प्रशिक्षक रश्मि भारती ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें योग ट्रेनर के लिए चयनित किया गया है। 21 दिनों तक वह प्रशिक्षण देंगे। जी, ये आप लोग देख रहे हैं जैसे एसबीए का ट्रेनिंग चल रहा है और आज फर्स्ट डे है। ये 21 दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें फर्स्ट डे योग कराना निश्चित किया गया था और उसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था, तो मैं अभी योग की ट्रेनिंग दे रही हूँ। जी, ये आप लोग देख रहे हैं जैसे एसबीए का किंग्स ऑर्गेनिक टोमेटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों की सेहत का भी ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।